हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं। राजधानी कवी और खारकवी के अलावा कई शहरों को रूस की सेना ने घेर लिया है। और फ्रेंड्स आपको तो पता ही होगा कि यूक्रेन और रूस के वॉर में कितने भारतीय छात्र भी फंसे हैं, जिन्हें अभी तक वापस भारत नहीं लाया जा पा रहा है, जिन्हें निकालने में सिर्फ कोशिश की जा रही है। फ्रेंड्स यहाँ यूक्रेन में इतने भारतीय छात्र फंसे हुए हैं और वहाँ पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना में डमरू बजाते हुए दिखे जा रहे हैं। क्या पीएम मोदी को यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र की चिंता नहीं है? कुछ ही दिन पहले रूसी हमले के बीच यूक्रेन का राजधानी कभी से लौट रहे एक भारतीय छात्र को गोली लगी थी। घायल छात्र को आधे रास्ते से ही इलाज के लिए वापस कभी ले जाया गया था। इस घटना पर पोलैंड में मौजूद केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने सिर्फ इतना बताया कि हम ज्यादा से ज्यादा भारतीय छात्र को वतन वापसी के लिए कोशिश में लगे हुए। फ्रेंड्स पीएम मोदी के इस वायरल वीडियो ने सबको हैरान कर दिया है। एक तरफ युद्ध जैसे हालात में फंसे छात्र देश के लिए रो रहे बिलख रहे हैं और पीएम मोदी बनारस में डमरू बजाने में मसरूफ है। फ्रेंड्स जिस देश का नागरिक अपनी जान बचाने के लिए भीख मांग रहे हैं और उसी देश का मुखिया डमरू बजाने में बिजी है, इस बात को इतिहास सब याद रखेगा। इस वीडियो पर आपके क्या राय है कमेंट में जरूर बताना।